रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग लेक्चर्स रेगुलरली ले रहे होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर जो है ये एक हमारे पास कलेक्शन है पार्टिकल्स, ठीक है। इट इज द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। और कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स किस सेंस में है कि आपके पास जो गिवन अमाउंट होती है किसी भी सब्सटेंस की, उसके पार्टिकल्स को अगर आप काउंट करें तो ये तो इम्पॉसिबल है कि आप एटम मॉलिक्यूल या आयन के पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, या उनको काउंट कर सकें। तो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स का जो फिनोमिना है या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस करवाई, और उसने एक कॉन्स्टेंट नंबर दिया इनको काउंट करने के लिए। और वो जो कांस्टेंट नंबर है यानी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स में, वो है 6.022 × 10^23। इस नंबर को बहुत डिटेल से पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं कि किस तरह से ही एवोगैड्रोस नंबर जो है इसको जो है वो कैलकुलेट किया गया या इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया केमिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, हमारे पास नेचर में जितने भी चीज़ें हैं वो सारी जो है उनको हम क्या नाम देते हैं, सब्सटेंस का नाम देते हैं। अब सब्सटेंस जो है ये हमारे पास एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, सब्सटेंस जो है ये हमारे पास मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और सब्सटेंस जो है ये हमारे पास फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। अब अगर हमारे पास एटम्स हैं तो एटम्स मिलकर क्या करते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। अगर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है किसी कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और अगर आयोनिक बॉन्ड है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, फार्मूला यूनिट का नाम देते हैं। अब देखिए, हमारे पास अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास ये कार्बन एलिमेंट है, ठीक है, आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास में आपके पास क्या है, वाटर है, H2O, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। आपके पास एक डिश है, उस डिश के अंदर क्या है, आपके पास NaCl सॉल्ट है, ये क्या है, आपके पास फार्मूला यूनिट है, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ, मुझे बताएं कि ये जो आपको मैंने कार्बन एलिमेंट दिया है इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, कैलकुलेट करके बताएं मुझे। या ये जो हाफ ग्लास वाटर का है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये बताएं। या जी जो थोड़ा सा चुटकी भर नमक पड़ा हुआ है यहाँ पे NaCl, इसमें कितने फार्मूला यूनिट है NaCl के, ये बताएं। तो हम में से कोई भी इन पार्टिकल्स को कैलकुलेट नहीं कर सकता, इनको काउंट नहीं कर सकता, ठीक है, इनको काउंट करना इम्पॉसिबल है बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। जब हम इनका मैस ही मेजर नहीं कर सकते हैं तो हम इनको काउंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट था, एमिडो एवोगैड्रो, ठीक है। एमिडो एवोगैड्रो ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, एवोगैड्रोस नंबर, जिसमें उसने वैल्यू दी 6.022 × 10^23, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो है इसको हम इनके साथ किस तरह से रिलेट करेंगे ये हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम इन एलिमेंट्स, इन मॉलिक्यूल्स और इस फार्मूला यूनिट का जो मैस है इसका हम रिलेशनशिप बनाएंगे, इसको रिलेट करेंगे किसके साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। आप देखिए कि हमारे पास एटम जो है मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट वो स्मॉलेस्ट जो है वो पार्टिकल्स हैं, और इनका मैस जो है इसको हम एटॉमिक मैस यूनिट में मेजर करते हैं। ये हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, एटॉमिक मैस यूनिट को रिप्रेजेंट AMU से किया जाता है, और 1 AMU है जो है ये आपके पास 1.66 × 10^-24 ग्राम्स के इक्वल होता है, ये भी हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो इतने स्मॉल मैस के एलिमेंट को, इतने स्मॉल मैस के एटम को काउंट करना एक मजाक वाली बात लगती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इसको जो है वो काउंट कर सके। तो हम क्या करते हैं कि ये जो गिवन हमारे पास सब्सटेंसेस हैं इनके मैस को हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ अरेंज कर देते हैं, ठीक है। अब इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ कंपेयर करने के लिए, करने से पहले जो है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हीलियम का एक मॉलिक्यूल, एक एलिमेंट है, और एक जो है वो आपके पास एटम है किसका, हाइड्रोजन का। एक एटम हीलियम का है और एक एटम किसका है, हाइड्रोजन का।
आपको पता है कि हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 AMU। ठीक है, हमने एटॉमिक मास यूनिट टॉपिक में इसको फाइंड आउट किया। हीलियम के एक एटम का मास कितना है, 4 AMU। ठीक हो गया। अब आप देखें कि हाइड्रोजन का एक एटम हीलियम के एक एटम से 4 times लाइटर है, या आप कह सकते हैं कि हीलियम का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 4 times हैवियर है। अब मैंने इनका एक एक एटम यहाँ पे लिया है, ठीक है। अगर मैं इनके 100 atoms लूँ, 100 hydrogen ले लूँ और 100 ही हीलियम ले लूँ, तो आपके पास अगर एक एटम का 1 AMU है तो 100 atoms का कितना होगा, 100 AMU। अगर एक एटम का 4 AMU है तो 100 atoms का कितना होगा, 400 AMU। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन आपके पास रेशियो क्या आएगी, 1:4। ठीक है, अब अगर मैं इसका 1 billion atoms ले लेती हूँ तो यहाँ पे 1 billion इसका क्या हो जाएगा, AMU में मास आ जाएगा। अगर हीलियम के भी 1 billion मैं एटम्स लेती हूँ तो इसका भी मास कितना हो जाएगा, 400 billion। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन 1:4 आ जाएगा। इट मीन्स कि आपके पास जितने मर्जी एटम्स आप हाइड्रोजन के ले लें, जितने मर्जी एटम्स आप हीलियम के ले लें, अगर दोनों के नंबर ऑफ एटम्स आप इक्वल लेंगे, यानी अगर इसके भी 200 लेंगे, इसके भी 200, इसके भी 500 लेंगे, इसके भी 500, तो इनके मैसेज के दरमियान जो रेशियो आएगी वो हमेशा क्या आएगी, ये 4:1 ही आएगी। यानी हीलियम के 500 पार्टिकल्स हाइड्रोजन के 500 पार्टिकल्स से 4 गुना ही क्या होंगे, हैवी होंगे। यहाँ तक समझ आ गई। इट मीन्स कि हमारे पास जो मैस है किसी भी एलिमेंट का मैस, ठीक है, उससे रिगार्डलेस, उसको छोड़ के, ठीक है, आपके पास मतलब आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट को छोड़ के, आपके पास अगर गिवन मास एटॉमिक मास यूनिट में है तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स के क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, आपकी बुक में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सैंपल ऑफ एलिमेंट आर सैंपल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, विद मास इन ग्राम सैंपल ऑफ एलिमेंट विद मैस इन ग्राम इक्वल टू एटॉमिक मैस कंटेन सर्टन डेफिनेट नंबर ऑफ atoms regardless of the identity of that element। means के अगर आपके पास एक sample है, ठीक है, elements का, और उसके mass जो है वो grams में आप express कर रहे हैं जो कि उसके atomic mass के equal है, तो उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स मतलब कि कांस्टेंट एटम्स होंगे, ठीक है, कांस्टेंट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, चाहे आप कोई भी एलिमेंट ले लें, यानी उसकी आइडेंटिटी पे ये डिपेंड नहीं करता, आप कोई भी एलिमेंट ले लें, अगर आप उसके मास को, एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे और आपके पास वो एलिमेंट जो है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन हम लेते हैं, ठीक है, कार्बन का मास कितना है, 12 AMU। जब हम इस मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में, ठीक है, जब हम इस मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसके अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स की तादाद होगी, यानी कार्बन एटम्स की तादाद होगी, वो कांस्टेंट होगी, वो डेफिनेट नंबर होगा, और वो डेफिनेट नंबर एवोगैड्रो ने दिया है, और वो क्या है, 6.022 × 10²³ एटम्स। यानी कार्बन के 12 ग्राम में हमेशा इतने एटम्स होंगे, ठीक है, आप कार्बन के 12 ग्राम लें तो आपके पास हमेशा कितने एटम्स होंगे उसके अंदर, 6.022 × 10²³ एटम्स होंगे। अगर आप हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन का मास है 1 AMU, जब आप उसको 1 ग्राम के इक्विलाइज करते हैं तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो भी कांस्टेंट होंगे, और वो क्या होंगे, 10²³ एटम्स, 6.022 × 10²³ एटम्स।
इट मीन्स के आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। आप कोई भी एलिमेंट ले लें, आप उसके एटॉमिक मास को जब ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो कि एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होंगे। इस कॉन्सेप्ट को यानी जो एवोगैड्रो ने रिप्रेजेंट किया था, और इसको हम इसको डिनोट करते हैं किसके साथ, कैपिटल एन कैपिटल ए, ठीक है। ए को थोड़ा सा आपने सबस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में नीचे करके लिखना है, तो एमिडो नंबर एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ए फॉर एवोगैड्रो, एन फॉर नंबर, एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। इसकी वैल्यू है 6.022 × 10^23, ठीक है। और इसको अगर आप देखें तो ये आप एटम्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप मॉलिक्यूल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप आयन और फार्मूला यूनिट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको एटम्स के ऊपर किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो आपके पास वन एटम है किसका, हाइड्रोजन का, और उसका मास है आपके पास 1 amu। जब आप हाइड्रोजन के मास को एक्सप्रेस करेंगे किसके अंदर, 1 gram के अंदर, यानी 1 gram ऑफ हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे, तो उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स होंगे 6.022 × 10^23। इसी तरह आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, तो उसके अंदर भी 6.022 × 10^23 एटम्स होंगे। अगर आप मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल में आपके पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 ग्राम है, तो जब दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उनका मास हो जाएगा 2 ग्राम। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो है 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली आपके पास 18 ग्राम ऑफ वाटर है, 2 हाइड्रोजन का मास, ठीक है, और 16 ऑक्सीजन का, तो 16 + 2 = 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो उसमें भी 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर। यानी अगर आप एटम की बात करेंगे तो एटम लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो पार्टिकल्स के साथ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर क्लोराइड आयन है तो एक क्लोराइड आयन का मास जो है वो 17 ग्राम होता है, तो 17 ग्राम ऑफ क्लोराइड में भी कितने आयन्स होंगे, 6.022 × 10^23 आयन्स होंगे। सिमिलरली आपके पास अगर फार्मूला यूनिट है NaCl, तो उसका मास है 58.5 ग्राम्स, तो उसमें कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, 6.022 × 10^23 फार्मूला यूनिट्स होंगे। तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, ठीक है। 6.022 × 10^23 जो है ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर आप इसकी जो है वो अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इतने रुपीज़ हों आपके पास 6.022 × 10^23 और आप एक सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च करें, तो आपको बिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए होंगे इस अमाउंट को जो है वो खर्च करने के लिए। या आप इस तरह से इसको करें कि अगर आपके पास इतनी स्ट्रॉबेरीज हैं, ठीक है, और उन स्ट्रॉबेरीज को आप इस तरह से जोड़ते जाएं, दूसरे के साथ अरेंज करते जाएं, और इस तरह से उसको ज़मीन के गिर्द पूरा घुमाएं उन स्ट्रॉबेरीज को इस तरह से अरेंज करके, तो 3 दफ़ा वो ज़मीन के गिर्द क्या होगी अपना साइकिल जो है वो पूरा करेगी, तो तब जाके इतनी स्ट्रॉबेरीज जो है वो होंगी। तो इस नंबर को काउंट करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से एवोगैड्रो ने क्या किया कि इसको एक कांस्टेंट नंबर माना, और उसने कहा कि जब भी हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उस ग्राम वाले मास का अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो 6.022 × 10^23 होंगे, चाहे वो एटम्स की फॉर्म में हों, चाहे वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हों, चाहे आयंस की फॉर्म में हों, चाहे फार्मूला यूनिट की फॉर्म में, ठीक है। इसी टॉपिक को लेकर हम आगे चलेंगे और हम मोल को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मोल जो है वो एवोगैड्रो नंबर के साथ काफ़ी रिलेट करता है।